अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ समर असद एंड यू आर वाचिंग द आर्टिस्टिक समर असद चैनल। तो आज की वीडियो है बहुत अमेजिंग, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ आलिया भट्ट इंस्पायर्ड लुक, जो उन्होंने आईफा अवार्ड्स में 2019 में जो उन्होंने मेकअप किया था, मैसी मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाऊँगी। शिमरी और ग्लोई मेकअप लुक है ये, और मैं इसके लिए यूज़ करूँगी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, तो वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि ग्लोई मेकअप है तो इसलिए मैं यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड ग्लो सीरम यूज़ कर रही हूँ। आप वाइटनिंग सीरम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर मिरेकल ग्लो ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं इसकी लिंक मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग इजीली इसे परचेज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल मैं यहाँ पर एज अ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी मैटिफाइंग प्राइमर हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन पर एलोवेरा जेल बेस्ट है एज अ प्राइमर, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन किस ब्यूटी का। किस ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये अफोर्डेबल है बहुत ज़्यादा, और प्लस ये फुल कवरेज देता है। मगर इसकी डिसएडवांटेज एक यही है कि ये 3 to 4 hours में बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसीलिए आप जब भी ये वाला फाउंडेशन लें तो अपनी स्किन से एक टोन लाइटर लें। मैं यहाँ पर पफ से यूज़ कर रही हूँ, इसको अप्लाई कर रही हूँ, मगर कुछ लोग ब्रश से भी करते हैं। बस क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो इसलिए मैं यहाँ पर पफ यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरी स्किन पर ज़्यादा फाउंडेशन ना लग सके। अब यहाँ पर मैं कंसीलर 2-in-1 कंसीलर और कंट्रोल यूज़ कर रही हूँ। आपने देख सकते हैं कौन सी ब्रांड का है, ये भी किस ब्यूटी ब्रांड का है। मैं यहाँ पर अभी जो हूँ मैं यहाँ पर कंसीलर कर रही हूँ, एंड देन फिर मैं उसके बाद जो हूँ वो कंट्रोलिंग भी इसी ब्रांड की करूँगी। क्योंकि ये 2-in-1 है तो इसीलिए ये अफोर्डेबल भी है, अच्छा है, आपको दो चीज़ें जो हैं वो एक ही प्राइस में मिल जाएंगी, और ये आसानी भी है। आप लोग इसे अच्छे से जाके किसी भी लोकल शॉप से जाके इसे आराम से परचेज़ कर सकते हैं। तो भाई अब कंसीलर जो हूँ मैं लगा चुकी हूँ, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कंटूरिंग। कंटूरिंग जो है वो आपको बहुत अच्छी करनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। भाई हम क्यों स्ट्रॉन्ग करें कंटूरिंग, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हम मेकअप जो लुक क्रिएट कर रहे हैं वो है आलिया भट्ट की, और आलिया भट्ट ने जो है आप उनकी पिक्चर्स देख सकते हैं आईफा अवार्ड 2K19 की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कंटूरिंग की हुई है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग कंटूरिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी तरह आप शक्ल बना बना कर भी जो है वो कंटूरिंग कर सकते हैं, अच्छा है। यहाँ पर मैं जो नोज़ कंटूरिंग है वो ब्रश की मदद से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है इसीलिए। तो भाई अब चलते हैं हम आईब्रोज़ की तरफ। कंसीलर और कंटूरिंग हो गई है, शुक्र है हो गई है, और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल। जस्ट मैं यहाँ पर आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, आईब्रो जेल नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ बहुत ही ज़्यादा थिक हैं आप देख सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। जस्ट मैं थोड़ा सा इसको शेप दूँगी अपने आईब्रो को, एंड डेट्स इट। आप लोगों की आईब्रो अगर बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा पतली हैं, तो आप अच्छे से उसको जो है आईब्रो जेल यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट रहता है। आईब्रोज़ बनाकर हो गई हूँ मैं बहुत खुश, तो हम भाई अपनी खुशी को बढ़ाते हैं थोड़ा और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आई मेकअप लुक। यहाँ पर मैं जेम्स चार्ल्स का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये आपको इजीली आराम से किसी भी बिग मार्ट में मिल सकता है, तो परेशान ना हो, बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं यहाँ पर शेड ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसे अपनी आई की आउटर क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ, और आउटर क्रीज पर अप्लाई करने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मैं इनर क्रीज के तरफ नहीं लेकर जाना है शेड को, सिर्फ आउटर क्रीज तक लेकर जाएं या तो मिडिल क्रीज तक, एंड देन मैं आपको फिर अच्छे से इसे ब्लेंड करना है। ठीक तरीके से इसे ब्लेंड करें, ताकि फिर जब मैं इस पर शिमर शेड को अप्लाई करूं, तो फिर जो है ये इसके ऊपर जो ये ब्राउन शेड है वो बिल्कुल हाइलाइटेड हो, और जो आपकी आईज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगें। अब मैं यहाँ पर ये मैंने डन हो गया है ये, अब मैं इसके बाद यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फियोना का 3-in-1 चीक्स आई फेस आई शेडो, या आप इसे हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर जब इसे मैंने अपने आई पर अप्लाई किया था, तो ये एग्जैक्ट गोल्डन शेड दे रहा था जो कि मुझे चाहिए था। बहुत ही ऑसम कलर, ये पिगमेंटेड है और प्लस ये हाइलाइटेड बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। और मैं यहाँ पर इसे अपनी आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से आपने इसे अप्लाई करना है। फिर उसके बाद फिर जो आपने ब्राउन कलर यूज़ किया था उसको इसके साथ ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन इफेक्ट आ रहा है,
और प्लस जो इसके साथ ब्राउन का कलर है वो मेरी आइज़ को जो है और ज़्यादा हाईलाइटेड कर रहा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर इसको बना रहा है। इनर क्रीज और आईलिड पर गोल्डन शेड अप्लाई करने के बाद मैं इसको लगाने वाली हूँ अपने लोअर लैश लाइन पर, ताकि मेरी आइज़ जो है वो और एनहेंस हो, और क्योंकि ये ग्लोई मेकअप लुक है तो मेरी आइज़ जो है वो अच्छे तरीके से ग्लोई इफ़ेक्ट दें, आप देख सकते हैं स्किन पर। इस मेकअप लुक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो गोल्डन आई शेडो है, तो आपके पास कोई भी गोल्डन आई शेडो होना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हो। मैं यहाँ पर फियाना का वही गोल्डन शेड जो हूँ एज अ हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। अब उसके बाद मैं चलती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर पे, जो कि मैं यहाँ पर एलोयल का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग किसी भी कंपनी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर बेसिकली आपको अपने फेस पर वहाँ लगाना है जहाँ पर आपकी ऑयलीनेस स्किन पर फ़ौरन आ जाती है, जो कि है टी जोन एरिया, हमारी नोज़ का जो एरिया होता है वहाँ पर हमें फ़ौरन ऑयल आता है। और उसके बाद अब यहाँ पर मस्कारा, हुदा ब्यूटी का मस्कारा यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी मस्कारा हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगेन ये भी लोकल शॉप में इजीली मिल सकता है और कोई इतना महंगा भी नहीं है, अफोर्डेबल है। अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पर 3D आईलैशेज़ इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि आलिया भट्ट ने भी 3D आईलैशेज़ नहीं यूज़ की हैं, क्योंकि मैं उनका मेकअप जो हूँ वो इंस्पायर मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर सिंपल मस्कारा लगा रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेरे ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक शेड्स, जो कि हैं स्लीक मैट लिपस्टिक शेड्स। तो उसमें से मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ पिंकिश लिपस्टिक शेड्स। मुझे इसका कोड नहीं पता, मैं आप लोगों का कोड यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूँगी, तो आप इसे आराम से ईजिली बाय भी कर सकते हैं। इसके इंस्टाग्राम का पेज मैं लिंक नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्लस अगर आपको इसके स्वेचेस देखने तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ब्लश ऑन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्लश ऑन, द बाम ब्रांड का है, फॉर फ्लॉर द प्लस, सुपर पिगमेंटेड है ये। तो मेरा मेकअप आलिया भट्ट इंस्पायर्ड लुक हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो भी आपको मेरी हर वीडियो की तरह अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।